माई सेल्फ हितेश कुमार तोमर, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो हियर आई एम टेलिंग अबाउट द एसआर लैच। एसआर लैच इज ए सीक्वेंशियल सर्किट। तो व्हाट इज एसआर लैच? व्हाट इज एसआर लैच? एसआर लैच आर डिजिटल सर्किट दैट स्टोर ए सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड होल्ड्स इट्स वैल्यू अंटिल इट्स इज अपडेटेड बाय न्यू इनपुट सिग्नल। इट मीन्स जब तक कि हम इसमें कोई इनपुट सिग्नल, न्यू इनपुट सिग्नल अप्लाई ना कर दें, तब तक ये उसी सेम बिट को, यानी कि सेम आउटपुट को, या तो वो जीरो हो या फिर वन हो, उसको ये होल्ड करके रखता है एसआर लैच। तो एसआर लैच इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एलिमेंट। इट कैन स्टोर ओनली वन बिट। इट कैन स्टोर ओनली वन बिट, जीरो और वन, जीरो और वन इट कैन स्टोर एज ए मेमोरी एलिमेंट। एसआर मीन्स आउटपुट टू वन वाइल द आर इनपुट रीसेट टू द आउटपुट टू जीरो व्हेन बोथ एस एंड आर आर एट वन द लैच इज इज सेट टू बी इन एन अनडिफाइंड स्टेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो ओके, तो हम देखते हैं, फिर इसको डिटेल में चलते हैं। तो एसआर लैच, वी कैन मेक एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट आल्सो। नैंड गेट एंड नॉर गेट वी नो ऑलरेडी, दीज आर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट मींस वी कैन इंप्लीमेंट एनी गेट, एनी बेसिक गेट यूजिंग दीज गेट्स, नैंड और नॉर। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। यहाँ पे हम नैंड गेट यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नैंड गेट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसआर लैच? व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर लैच? तो इसी को हम इसकी, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट, तो यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम नैंड गेट है, तो नैंड गेट की हमें ट्रुथ टेबल का पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड गेट? तो नैंड गेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, If any inputs of the NAND gate is zero, when the any inputs of the NAND gate is zero, output of the NAND gate will be one. तो बस इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर एक भी इनपुट जीरो है NAND gate का, तो उसका आउटपुट वन होता है। When both inputs are one, output will be zero. अगर इसके दोनों इनपुट वन होंगे, तो आउटपुट NAND gate का क्या होता है? जीरो। बस इसी प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रुथ टेबल का ध्यान रखते हुए हम एसआर लैच की वर्किंग समझते हैं। और एसआर लैच की हम क्या निकालेंगे? ट्रुथ टेबल। तो कैसे ये फंक्शन करता है? तो एसआर लैच दो इनपुट है, तो आप इसके टू टू दी फोर इक्वल टू फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं जीरो जीरो। तो जीरो जीरो अप्लाई करेंगे, तो आप इस फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, जीरो और जीरो, एस की वैल्यू भी जीरो है, आर की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है। अगर तो हमने अभी देखा है नैंड गेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर एनी इनपुट ऑफ द नैंड गेट इज जीरो, आउटपुट विल बी वन, जैसा हमने यहाँ पे देखा है। तो देखो, दोनों इनपुट अगर जीरो है, तो नैंड गेट का दूसरा इनपुट क्या है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर एक भी इनपुट इसका जीरो है, तो आउटपुट इसका होगा वन। तो इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा? वन। और ये भी इनपुट जीरो है, तो इस नैंड गेट का भी आउटपुट होगा वन। और ये जो आउटपुट है, ये इसका मेन आउटपुट होता है क्यू, एंड क्यू क्या है इसके आउटपुट का? कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। तो इसका भी आउटपुट वन आ रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी आउटपुट वन आ रहा है। इट मींस आउटपुट्स आर रॉन्ग, क्योंकि अगर आउटपुट ये वन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्या आना चाहिए? जीरो। अगर आउटपुट जीरो है, तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्या आना चाहिए? वन। लेकिन ये तो आउटपुट भी वन है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट भी वन है। इट्स मींस अगर एसआर लैच के इनपुट आपके जीरो जीरो हैं और आउटपुट ये क्या आ रहे हैं? वन वन, इट मींस इनवैलिड स्टेट। इसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, क्योंकि आउटपुट हमारे सही नहीं आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहे हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट आ ही नहीं रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हेन बोथ एस एंड आर आर जीरो जीरो, तो दीज आर द इनवैलिड स्टेट। आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन, व्हेन वी अप्लाई जीरो टू एस एंड वन टू आर,
तो इस सेकंड कॉलम को देखिए, जीरो और वन। तो देखो इस गेट की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमें पता है कि अगर एक भी नैंड गेट की वैल्यू जीरो होती है तो उसका आउटपुट क्या होगा, वन। तो ये आउटपुट आ गया इसका वन, और ये क्या है, वन। अब वन है तो इसका हमें दूसरा आउटपुट इनपुट पता ही नहीं है कि क्या है, तो इसको देखते हैं। इसका आउटपुट तो हमें पता चल गया, इसका आउटपुट क्या था, वन। तो यही जो आउटपुट इसका वन है, तो ये आ गया इसके फीडबैक में, यहाँ पे आ गया फीडबैक टू द इनपुट नेक्स्ट इनपुट। तो ये भी इनपुट वन है और ये ऑलरेडी पहले से वन है, तो वन इंटू वन। तो वन वन पे नैंड गेट क्या दे रहा है, आउटपुट जीरो। नैंड गेट पे वन वन अगर इनपुट है तो आउटपुट आएगा नैंड गेट का जीरो। तो इस नैंड गेट का आउटपुट क्या आ गया, जीरो। तो ये आ गया आपका जीरो, इसका आउटपुट था वन और इसका आउटपुट जीरो। इसका मतलब जो वन था उसका कॉम्प्लीमेंटेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इट मीन्स दिस इज द वैलिड स्टेट, आउटपुट हमारा बिल्कुल राइट है। यानी कि जब आपके इनपुट जीरो और वन होंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें वन और जीरो। इसलिए हम इसके ट्रुथ टेबल में एस आर लैच में क्या लिखेंगे, व्हेन इनपुट्स आर जीरो वन तो आउटपुट्स विल बी वन और जीरो। सो नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन इनपुट्स आर वन जीरो, एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू जीरो। चलो इसे भी देखते हैं, एस की वैल्यू ये वन है और ये आपकी जीरो है। तो इसकी वैल्यू वन है, वन है तो हमें नहीं पता इसका आउटपुट क्या होगा जब तक कि हमें इसका दूसरा इनपुट पता ना चल जाए, जब तक हम इसका आउटपुट का पता नहीं कर सकते। लेकिन ये इसका इनपुट तो हमें पता है, इसका इनपुट क्या है, आर का जीरो। तो इसका इनपुट अगर जीरो है तो नैंड गेट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या होगा, वन। यानी कि क्यू बार जो है आपका क्या हो गया, वन। और क्यू बार का हमें पता चल गया वन है, तो यही वन हमारा कहाँ चला जाएगा, फीडबैक में, फीडबैक में चला गया हमारा यहाँ पे वन। और ये ऑलरेडी पहले से वन था, ये पहले से ही वन था, वन यहाँ से और फीडबैक से आया आपका वन, वन इंटू वन। तो वन वन पे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। तो इस नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, और यही ऑलरेडी पहले से वन था। तो आप देखो, हम देख रहे हैं कि अगर क्यू आपका जीरो है तो क्यू का कॉम्प्लीमेंटेड वन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इट मीन दिस इज ऑल्सो वैलिड स्टेट, यानी कि जब आपके इनपुट एस आर की वैल्यू वन और जीरो है तो आउटपुट मिल रहे हैं हमें जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिल गया वन। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन वन, एस की वैल्यू भी वन है, आर की वैल्यू भी वन है। चलो इसको भी देखते हैं, एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू भी वन, तो ये वन है। तो अब कैसे हम पता करें नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा जब तक कि हमें इसका दूसरा इनपुट ना पता चल जाए। ये भी वन है, इसका भी इनपुट हमें दूसरा नहीं पता क्या है। तो अब हमें ये पता है ये आउटपुट इसका क्या है, क्यू। तो क्यू इसके फीडबैक में आएगा यहाँ से क्यू, और ये ऑलरेडी पहले से ही वन था, तो क्यू इंटू वन क्यू, और क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया है। यानी कि जो आउटपुट इसका ऑलरेडी पहले था क्यू कॉम्प्लीमेंट, वही आउटपुट अब भी सेम आ रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको भी देख लीजिए, ये क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका इनपुट यहाँ पर आ गया और इसका इनपुट क्या था, वन। वन इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, क्यू मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो आउटपुट इसका पहले प्रीवियस में था क्यू, वही हमें आउटपुट इसका क्यू मिल गया। जो इसका प्रीवियस में आउटपुट क्यू कॉम्प्लीमेंट था, वही हमें इसका अभी भी वन वन पे क्यू कॉम्प्लीमेंटेड मिला है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आउटपुट इसके प्रीवियस में थे, वही आउटपुट वन वन अप्लाई करने के बाद भी वही सेम आउटपुट हमारे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको बोलते हैं नो चेंज, यानी कि कोई चेंज ही नहीं है आउटपुट में। जो इसमें प्रीवियस था वही हमारी इसकी नेक्स्ट स्टेट भी है, जो प्रीवियस स्टेट थी वही हमारी एस आर लैच की नेक्स्ट स्टेट है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो आपकी एस आर लैच की ट्रुथ टेबल है कि जीरो जीरो था उस पर इनवैलिड स्टेट मिली हमें, जब जीरो वन है यानी कि एस की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट इसका वन मिला, और जब एस की वैल्यू हमारी वन है तो आउटपुट इसका जीरो मिला। यानी कि एस की वैल्यू जो भी होती है उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हमें मिलता है। और जब व्हेन बोथ आर इनपुट्स आर वन वन, एस की वैल्यू भी वन, आर की वैल्यू वन, तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा, एस आर लैच में कोई चेंज नहीं आता, जो उसकी प्रीवियस स्टेट थी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट है, यानी कि नो चेंज इन द आउटपुट। सो हम इसको बोलते हैं नो चेंज, नो चेंज लिखा है ना आउटपुट में, इसलिए हमें नो चेंज। दीज आर द रेफरेंस
For this lecture, internet web series, google.com. This is the disclaimer. Thank you.